21 मार्च 2006 इसमें कोर्ट ने मुझे मालिक बना दिया और कंपनी मुझे दे दी और मुझे चेयरमैन बना दिया जी। 2011 तक मुझे कोर्ट ने टाइमिंग दे रखा था कि जो सिख है कंपनी तो 2011 में आपको सिका से बाहर निकलना है, 2011 और मैं 2011 में सिका से बाहर हो गई। पूरी लायबिलिटी देकर करीबन 2.5-3 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बैलेंस शीट में हमारे आ गया। क्या बात है। तो आपने एक ऐसी कंपनी को टेक ओवर किया जो पूरी तरह से कर्जे में डूबी हुई थी और उसको ना सिर्फ चालू किया बल्कि उसे आज मुनाफे में लाके खड़ा कर दिया। यूं समझिए ना कि आग का दरिया था जिसे पार करना था, मैं करती रही, अपनी हिम्मत को नहीं हारा और अपने आप पे यकीन भी था कि इंसान अगर सच्ची लगन से, कड़ी मेहनत से, पूरी ईमानदारी और सच्चाई से काम करता है अगर, तो एक नेचर भी उसके साथ हो जाता है। जिस रास्तों पे चलने के लिए डर लगता था, आज मेरी कंपनी के नाम पे 2 रास्ते हैं। तो यकीनन जो लोग कहते हैं कि ये चमत्कार है, तो ये चमत्कार तो खैर मेरे साथ हुआ, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, वो सच्ची लगन है, वो पूरा कारण रहा जी। और यह सब देखते हुए गवर्नमेंट ने भी सराहा मुझे और 2013 में पद्मश्री जैसे अवार्ड से नवाजा मुझे। क्या बात। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे समाज के लिए। सिर्फ आपको नहीं, हमें भी बहुत गर्व है आपके ऊपर। थैंक यू वेरी मच। और हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। कल्पना जी, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो। हेलो आशीष जी। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं किरण बोल रही हूँ मुरादाबाद से। जी किरण बोलिए। आशीष जी, मेरा एक सवाल था कल्पना जी से, और मेरा सवाल ये है कल्पना जी कि मैं भी मुरादाबाद जैसे एक छोटे शहर से हूँ और मेरा एक बड़ा सपना है कि मैं भी आपकी तरह अपना कुछ काम चालू करूँ, आपकी तरह खुद का बिजनेस शुरू करूँ, क्या एडवाइस देंगी आप? मैं किरण जी से यही कहूँगी कि मंजिल के जुस्तजू में क्यों भटक रहा है राही, मंजिल के जुस्तजू में क्यों भटक रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे, कदम चूम लेती है आकर के मंजिल, इंसान अगर अपनी हिम्मत ना हारे। क्या बात है, क्या बात है। तो किरण जी आप अपनी हिम्मत मत हारिए और बहुत सारी स्कीम है गवर्नमेंट की, उसका लाभ लीजिए और अपनी ऊंचाइयों को छुइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं किरण जी। शुक्रिया आशीष जी। शुक्रिया। दोस्तों, कल्पना जी की कहानी किसी फेरी टेल से कम नहीं लगती, लेकिन उतनी इंस्पायरिंग है। इनकी कहानी सुनकर कुछ पंक्तियां दिमाग में आती, जब उड़ा हूं भरोसा अपने पंखों पे लिए, तब फलक भी छोटा है मेरी उड़ान।